हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुकिंग स्टेशन अराउंड द किचन। एंड सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दशहरा, विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है किचन टॉप ऑर्गेनाइजेशन। एंड इट्स नॉट अ किचन टूर, कंप्लीट किचन टूर इज। सबसे पहले तो ये मेरी किचन है, इट लुक्स लाइक दिस। मैं ऑलरेडी एक वीडियो कर चुकी हूँ जो मेरे पुरानी किचन था उसका। तो जो मेरी किचन है वो इस तरीके से लगती है कि यहाँ मेरा डाइनिंग टेबल है, वहाँ एक टेबल रखा हुआ है जहाँ मैं सारा फूड प्रिपरेशन करती हूँ, और फिर ये किचन है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जो मेरा जो किचन में जो स्टोरेज है वो बहुत कम है, और जो काउंटर टॉप है मैं उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो एज यू कैन सी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक हॉब है, उसकी जो तीन ड्रॉर हैं जो सफिशिएंट नहीं होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, लाइक प्रॉपर से स्टोरेज के लिए। और एक ऊपर कबर्ड है, एक उस अवन के नीचे कबर्ड है, दैट्स इट। स्टोरेज के लिए सिर्फ इतना ही स्पेस है इस किचन में। तो मैंने यहाँ पर ये एक ऑर्गेनाइज़र लेकर के रखा हुआ, थ्री टीयर ऑर्गेनाइज़र है। सो जो भी मेरे डेली के जो स्पाइसेस हैं विच आई कीप हियर, से हेलो हेलो हेलो, सो यस आई कीप हियर। एंड जो भी स्पाइसेस जो मुझे रोज में चाहिए होते हैं, तो बाहर बार बार कबर्ड को ऑर्गेनाइज करना इज क्वाइट टफ। एंड बच्ची मेरी खेल रही है स्पून रेस्ट से, तो इसको मैंने यहाँ रखा हुआ है। एंड यहीं पर मैंने ऑयल और सब कुछ कर रखा हुआ है। एंड यस, थोड़ा ये ग्रीसी हो जाता है, रीज़न बीइंग कि किचन जो हॉब है उसके जस्ट बगल में है, तो मेक श्योर कि चिमनी आप यूज़ करें तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। उसके यहाँ पर मैंने एक नीचे टिश्यू पेपर रख रखा है, यहाँ मैंने घी और एक ऑयल का कंटेनर रख रखा है। घी मैंने इसलिए लगा रखा है यहाँ पर जिससे कि बहुत ज़्यादा गंदगी चिकनाई नीचे ना आए। तो ये हो गया इस साइड का पोर्शन, इस तरीके से है। एंड स्पेस जैसे कि कम है, पहले कि अगर मेरे आपने वीडियोस देखे हो तो जो मेरा जो ड्रॉवर है जहाँ मैं स्पून वगैरह रखती हूँ, यहाँ पर मैं चॉपिंग बोर्ड रखती थी, यहाँ वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो एज़ यू कैन सी, मैं इसके पीछे स्पेस बना करके दोनों चॉपिंग करने वाला और जो मैं रोटी बेलती हूँ वो दोनों मैंने यहाँ पर सेट किए हुए हैं। तो ये जो इस साइड का जो एरिया है वो मैंने इस तरीके से सेट करके रखा हुआ है। हॉब के जस्ट इस साइड जब हम आते हैं तो यहाँ मैंने एक ये प्लास्टिक की प्लेट में आप देख सकते हो ये कप होल्डर लगा करके रखा हुआ है, ग्लास होल्डर। तो इसमें मैं टांगती हूँ, इसमें मैंने इसलिए रखा हुआ है जिससे कि सफाई करने में थोड़ा सा इजी रहता है। एंड उसके जस्ट बगल में एक ग्लास है पानी पीने के लिए। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर ओवन है जिससे कि स्पेस नहीं है बहुत ज़्यादा, ड्रॉर में भी बर्तन है, सब कुछ है। तो मैंने यहाँ पर एक, आप ये देख सकते हो अवन, माइक्रोवेव ऑर्गेनाइज़र आप बोल सकते हो, वो मैंने यहाँ पर ले करके रखा हुआ है। ये टू टीयर है, एक जस्ट नॉर्मल अवन उसके ऊपर एक है और उसके ऊपर एक जगह और है। तो इसको मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है कि जो मेरे नॉर्मल जो पॉट्स हैं जो मैं डेली में यूज़ करती हूँ, जो मुझे अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो मैंने तीन यहाँ पर इस तरीके से रख रखे हैं। और नीचे मैंने ये एक कवर बिछा रखा है जिससे कि इस पर चिकनाई ना आए। कपड़ा धोना ज़्यादा इजी है, रादर देन इसके ऊपर जो लाइनन है इसको साफ़ करना इज़ क्वाइट टफ। अगर ख़राब होगी तो ये चेंज भी नहीं हो सकती। तो आई यूज़ दिस। उसके ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा हैंड मिक्सर है जो मैंने रख रखा है, जो मैं बहुत ऑफन यूज़ करती हूँ। उसके साथ ही मैंने एक ग्लास का जो जार है वो ले रखा है, वाटर जार है ये। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा कि मैं एक ही नॉर्मल प्लेट यूज़ करती हूँ जिसमें मसाले जितने भी एसेंस वगैरह होते हैं वो सब मैं एक साथ एक ही प्लेट में रख लेती हूँ जिससे कि भागे नहीं इधर से उधर। और ये एक छोटा सा पॉट है जिसको मैं पहले के वीडियोस में, लाइक मैं इसमें पहले जो मेजरिंग स्पून है होते हैं वो रखती थी, बट अभी मैंने वो चेंज कर दिया है। काफ़ी टाइम मैंने इसको यूज़ किया, अभी मैंने इसको इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ कि जो भी मुझे लगता है कि चीज़ें, लाइक मेरे को पोलो बहुत पसंद है तो वो मैं यहाँ रखती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जो भी किचन की होती हैं वो सब मैं इसमें डाल करके रख देती हूँ। तो ये मैंने यहाँ रख दिया है इस तरीके से। और ये छोटे 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 से बाउल हैं जो मैं कुकिंग टाइम में यूज़ करती हूँ, आप देख सकते हो बहुत क्यूट से हैं। तो ये भी मैं यहीं साइड में रख देती हूँ। ये तो इस तरीके से मैंने किया हुआ है। इसके जब इस साइड हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये एक्चुअली कप टांगने के हैं, तो मेरे जो कप के जो साइज़ आप देख सकते हो थोड़े से बड़े हैं, तो ये वो नहीं आ पाते हैं।
और पहले ये जो किचन टॉवल है वो मैं यहाँ रखती थी, तो मेरा स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा चला जाता था। तो मैंने क्या किया उनको कि दोनों इसको एक साथ मर्ज करके इस पर इसको टांग दिया है, तो इसको यूज़ करना भी ज़्यादा इजी रहता है मेरे लिए और स्पेस भी बच गया। और साथ ही में मैंने जो नाइफ जो मैं डेली में यूज़ करती हूँ, पिलर यूज़ करती हूँ, वो यहीं पर टांग रखा है। तो ये हो गया इस साइड का, ये इस तरीके से। तो ज़्यादा क्या है कि जब आप कुकिंग करते हो तो बहुत ज़्यादा अगर सामान होता है तो क्लटर बहुत जल्दी हो जाता है, तो ट्राई कि कम से कम सामान प्लेटफॉर्म पर रखा हो। तो मैंने इस तरीके से इसको किया हुआ है। अब मैं इस साइड अगर टर्न करूँगी तो ये सिंक एरिया है। सिंक एरिया की साइड में मैंने क्या किया हुआ है, ये मेरी सिंक है, एंड यहीं मैंने एक छोटा सा कैडी रखा हुआ है जिसमें मैंने हैंड वॉश है और डिश वॉशर जो होता है वो सारा सब कुछ ले करके रखा हुआ है। एंड इसी के बगल में मैंने जो मेजरिंग स्पून थी उसके लिए मैं छोटा सा एक कप है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ, इसमें मैंने सारे स्पून और जो भी रोज की जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो मैंने इसमें रख रखी हैं। वैसे मैं इनको यहाँ रखती थी बट यहाँ एक्चुअली फिर वही है कि जब आप रोटी वगैरह बनाते हैं तो गंदे ज़्यादा हो जाते हैं, तो मुझे ये जगह ज़्यादा अच्छी लगी। रीज़न भी कि जब भी आप साफ़ करो तो यहीं पर डायरेक्ट रखते चलो। मोस्टली मैं जो डिश वॉशर है वही यूज़ करती हूँ, तो सूख जाते हैं बर्तन स्टीम के बाद में इसमें मैं रख देती हूँ। एंड एक बहुत प्यारा सा कप है, मिल्क कप है ये, तो इस पर लिखा भी बहुत क्यूट सा है फ्रॉम, देख सकते हो दिख रहा है आपको, फ्रॉम द सी टू द शोर फाइन गुड्स, लाइक बहुत क्यूट सा है ये। तो ये मैं यूज़ करती हूँ जो भी वुडन स्पून वगैरह जो भी मैं स्पून यूज़ करती हूँ उसके लिए। तो बहुत फैंसी आइटम मेरी किचन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल जो मुझको डेली यूज़ का चाहिए होता है वही टाइप्स है, इतना ही है मेरे किचन टॉप पर, मैं यही रखती हूँ। और ये है बर्तन रखने का, बाकी के जो भी प्लेट्स वगैरह होती हैं वो सारे डिश वॉशर में जाती हैं, जो कढ़ाई तवा वगैरह यूज़ करना होता है धोते हैं तब मैं इसको यूज़ करती हूँ। काम हो जाने के बाद मैं इसको साफ़ करके रख देती हूँ क्योंकि जगह थोड़ी सी ज़्यादा लेता है अगर हम इसको खोलते हैं तो मैं इसको इस तरीके से लॉक करके यहाँ रख देती हूँ। और अगर मुझे जैसे कि कुछ ज़्यादा काम करना है, जब मुझे ये स्पेस खाली चाहिए, तो मैं इसको इसमें सिंक में नीचे रख देती हूँ। तो बस इसको मैं तब वहाँ से शिफ्ट करके इस ये जो कबर्ड है मेरा अंडर सिंक मैं यहाँ रख देती हूँ। तो बस ये इस साइड का हो गया है। जगह कम होने की वजह से मैंने यहाँ पर ये टेबल रख रखा है, एंड आप देख सकते हो चार डब्बे यहाँ पर, तो आटा चावल नॉर्मल स्नैक्स और जो भी सामान होता है ग्रॉसरी का वो मैंने यहाँ रख रखा है। एंड इसके ऊपर जो ये है जब मैं खाना बन जाता है तो इस पर शिफ्ट करती हूँ, और यहाँ एक नॉर्मल मैंने ट्रे रख रखा है, ट्रे के अंदर दो डलिया, एक नॉर्मल फ्रूट्स के लिए और एक मैं सब्जियाँ जो हल्की हल्की जो आलू प्याज वगैरह होता है तो वो उस तरीके से मैं रख देती हूँ। और ये है कूटने वाला, तो वो मैंने यहाँ रखा हुआ है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि इसको जितना खाली रखा जाए उतना। तो ये इस तरीके से ये हो गया है। सो यस, एंड उसके अलावा मेरी बच्ची ने ये चीज़ें यहाँ गिरा दी। ये है स्पून रेस्ट जो मेरे गैस पर मिलेगा हमेशा स्पून रखने के लिए, उससे थोड़ी सी चिकनाई यहाँ पर जो है वो कम लगती है। तो बस इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, इस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ इसको किचन को, बाकी कंप्लीट किचन कि मैंने कहाँ पर क्या रखा हुआ है। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड अ वीडियो ऑन दैट फ्रॉम प्रीवियस किचन। तो एंड मैं ट्राई करूँगी कि इस किचन का भी जल्दी ही कोई प्रॉपर किचन टूर करूँ, और मेरी बच्ची यहाँ पर काम करने को लग गई है सारा। तो बस इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। So I'll see you in my next video. Till then, bye-bye. Take care. Happy cooking and happy eating. Bye-bye.